जय हिंद दोस्तों। कुछ अपने भाई हैं जो व्हाट्सएप पे पहले से जुड़े हुए हैं, कुछ अब नए भी साथी हैं जो जुड़ रहे हैं। तो जो नए बच्चे हैं वो मैसेज करते हैं कि भैया, जब हम मॉक टेस्ट देते हैं, हमारा क्वेश्चन उसमें जो गलत हो जाता है उसका हम एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई, उसके लिए हमने उसका क्लिप हम लगा दे रहे हैं, आप देख लीजिए। उसके बाद सबसे पहले आपका तो जितना क्वेश्चन सही है, कितना गलत है, कितना आपने नहीं करा है, आपका रैंक सबको दिख जाएगा। और जितने बच्चे नए बच्चे हैं नहीं जान पाते हैं कि भैया मेरा जो इनकरेक्ट हो गया मैं कैसे सही, तो आपको यहाँ पे एक करेक्ट दिख रहा है, एक इनकरेक्ट करेक्ट दिख रहा है, आप इनकरेक्ट पे क्लिक कर लीजिए। मेरा एक गलत है, उसमें आपको सोल्यूशन भी नीचे मिल जाएगा। तो आप यहाँ से अपना जो इनकरेक्ट क्वेश्चन रहता है आप सभी का, वो यहाँ से देख सकते हैं सभी लोग। अब जैसे यहाँ पे मेरा सिर्फ एक गलत है, उसके बाद आप जो करेक्ट है उसको भी देखना चाहते हैं, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो अपने क्वेश्चन पे देख सकते हैं, नीचे उसका डिटेल दिया हुआ रहता है। और आपने जो क्वेश्चन नहीं किया है, छोड़ दिया है, उसको भी आप यहाँ से देख सकते हैं। मैंने 3 क्वेश्चन छोड़ा है भाई, हमें नहीं समझ में आ रहा था। इस क्वेश्चन का भाई नीचे पूरा डिटेल दे रखा है, आप यहाँ से देख पढ़ सकते हैं भैया। नेक्स्ट पे के लिए जो आप दूसरा क्वेश्चन छोड़े हैं उसका भी डिटेल आपको मिल जाएगा। आप जब भी मॉक टेस्ट लगाएं तो आप उसको एक बार अच्छे से एनालिसिस करें। आप जैसे मॉक टेस्ट आप तो उस पर कम से कम आप 40 से 45 मिनट एनालिसिस को दीजिए। अच्छे से आप देखिए कि हमारा किस टॉपिक से गलत हो रहा है, किस टॉपिक में हमें सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है, उसको आप अच्छे से मैनेज करिए। और हो सके तो, अब तो समय बहुत कम बचा है, जितना हो सके आप डेली एक मॉक टेस्ट फुल जरूर लगाएं डेली, और उसको आप अच्छे से एनालिसिस करें। अब आप नंबर से मॉक टेस्ट से ही सबसे ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। स्क्रीन पे व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा मेरा, आप सभी मैसेज भी कर सकते हैं और हमारे सभी ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। उसका सभी ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।